22 साल बाद शनि का महागोचर। अप्रैल माह में कर्म फल दाता का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल से शनि बदलेंगे अपनी चाल। मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे न्यायाधीश। किन राशियों पर ढैया होगी आरंभ? किन राशियों पर लगेगी 7.5? आने वाले 2.5 साल 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेक्षमा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को देहरादून से बहुत बहुत आपका अभिनंदन। इस 29 अप्रैल से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। उनके एक अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है, और वो इसलिए क्योंकि 29 अप्रैल से न्यायाधीश कर्म फल दाता शनि देव का महागोचर, महाराशि परिवर्तन हो रहा है। मकर से निकल के वो आपके कुंभ राशि में चले जाएंगी, और वहीं 5 जून में वो फिर कुंभ में वक्री हो जाएंगी। और शनि का ये जो गोचर है, ये आपके जीवन में तकरीबन इसका प्रभाव 2.5 सालों तक रहेगा। देखिए, अब तक मकर राशि वाले जातक 7.5 से गुजर रहे थे, तनाव से गुजर रहे थे, तमाम कष्टों से गुजर रहे थे, इनके बनते हुए और ये बिगड़ जा रहे थे। लेकिन अब शनि देव जाते जाते आपको कितनी बड़ी राहत देकर जाएंगे, और शनि का ये महागोचर किस प्रकार आपको माला माल करके जाएगा, आज यही हम जानेंगे मयंक जी से। जी, तो मयंक जी, मकर राशि शनि की राशि कही जाती है, काफी वक्त से परेशान थी, 7.5 से गुजर रही थी, क्या लगता है 7.5 का अंत, शनि का महागोचर क्या कुछ ला रहा है लोगों के लिए? देखिए, मकर राशि जो शनि की राशि है और इनके ऊपर शनि का गोचर था अभी तक, और अब शनि जो है राशि परिवर्तन करके 29 अप्रैल को पहले स्थान से दूसरे भाव में आ जाएंगे इनके, यानी 7.5 का अंतिम दौर होगा। और ये जो दौर होगा और शनि होगा धनिष्ठा नक्षत्र में, तो ये इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, विशेष शुभ फल देने वाला है, और काफी कुछ इनको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, काफी बेहतर इनके लिए ये समय रहने वाला है। अगर मैं ये सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी सेहत को लेकर, अगर पिछले काफी वक्त से इन्हें स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्या लगता है 29 अप्रैल के बाद सेहत आने वाले 2.5 सालों तक इनके लिए कैसी रहेगी? देखिए, सेहत इनकी अच्छी रहेगी, हालांकि छोटी मोटी परेशानियां अभी भी चलेंगी, लेकिन कोई गंभीर समस्या, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। मकर राशि वाले पिछले कुछ समय से जो बीमार थे लगातार, उनकी दवाइयां उनको काम नहीं कर रही थी, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो अब उनके लिए राहत भरी खबर है, सेहत में तेजी से सुधार होगा। और छोटी मोटी बीमारी को छोड़ दें तो कोई गंभीर समस्या इनको नहीं रहेगी। बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है, सेहत में लेके इनको खाने पीने से, बाहर के खाने पीने से बचना है, लेट नाइट खाना खाना उससे बचना चाहिए, अन्यथा इनडाइजेशन हो सकता है। इस चीज का ध्यान रख के चलेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि वो भी काफ़ी वक्त से परेशान थे, मेहनत तो कर रहे थे लेकिन शायद उनको उनके अकॉर्डिंग का रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मेहनत कर रहे थे या फिर बाहर जाने के उसमें लगे हुए थे हायर स्टडीज़ के लिए, क्या लगता है 29 अप्रैल के बाद अब इनकी मेहनत रंग लाने लगेगी? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मेहनत रंग लाने लगेगी, मन भी इनका पढ़ाई में लगेगा, तो छात्र जो बाहर जाना चाहते हैं उनको भी आने वाले समय में बाहर जाने का मौका मिलेगा। जो लोग बाहर जाके बसना चाहते हैं छात्र, उनके लिए भी अच्छा समय है, जिनकी पढ़ाई वहाँ समाप्त हो गई है, जिनको वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जॉब सर्च कर रहे हैं, उस लिहाज से भी समय काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ी राहत इनके लिए रहेगी। अब मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलेगा, बर्डन बड़ा हटेगा मकर राशि वालों के ऊपर से, स्टूडेंट्स के ऊपर से भी। चलिए, अब सबसे बड़ी बात आपके रिश्तों पर आ जाएंगे। जी हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ जिसमें अभी तक यू नो उथल पुथल मची हुई थी, पर्सनल लाइफ में रिश्तों में जो कड़वाहट आ रखी थी, आखिर 29 अप्रैल के बाद ये समय, आने वाला जो समय है शनि का जो महागोचर है, आप लोगों के लिए कितना सुखमय रहने वाला है, आपके रिश्तों को लेकर जानते हैं। देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, अभी शनि यहाँ पर इस समय विराजमान है, 29 अप्रैल के बाद यहाँ आएंगे, तो शनि की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही थी पहले आपके, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ रही थी, उनके साथ तालमेल में भी थोड़ी बहुत कमी रह रही थी, या उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो शनि की जैसी दृष्टि हटेगी तो ये सारे सुखों में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, काम कारोबार और बढ़िया हो जाएगा, पहले से ज़्यादा आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए, बहुत ही शानदार रहने वाला है, और वैवाहिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, काफ़ी अच्छे रहेंगे, और कुछ नए लोगों के साथ रिलेशन भी बिल्डअप होंगे, जिनसे आपको आने वाले समय में काफी फायदा मिलने वाला है, तो शनि का ये गोचर तो इनके लिए वाकई में लाभकारी है।
चलिए अब बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। अगर आप नौकरी स्विच करने की सोच रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या फिर आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपका अभी तक घाटा चल रहा था, या फिर कहें कि नौकरी में प्रमोशन के कितने चांसेस हैं, तो कार्य क्षेत्र में काम कारोबार के नज़रिए से शनिदेव जाते जाते आपको क्या दे रहे हैं, उनका ये महागोचर आप लोगों के लिए कितना राहत भरा रहने वाला है। देखिए शनि का गोचर काम कारोबार के लिए तो उनके लिए ज़बरदस्त है। अब समझिए इसलिए क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो दसवीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है जी, और शनि जबरदस्त लाभ देंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, पैसा लगातार आता चला जाएगा और आप सेविंग भी करेंगे, खर्च भी कम होगा, इस समय लाभ अधिक होगा। कोई प्लान कर रहे हैं अगर आप गाड़ी लेने का, घर लेने का, तो वो सपना भी आपका इन आने वाले 2.5 सालों में बिल्कुल शनिदेव पूरा कर देंगे। अगर कि कर्म भाव को देखा जाए तो अगर कुछ सोच रहे अपना कुछ नया करने के लिए, खुद का कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, कोई बड़ी डील भी इस समय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कार्य व्यवसाय के लिए ये गोचर शनि का इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं जी आर्थिक पक्ष अब इनका कितना मजबूत होने वाला है 29 अप्रैल के बाद, मतलब कह सकते हैं कि अब धन की बरसात होने वाली है। देखिए आर्थिक पक्ष काफी अच्छा रहेगा, अगर कोई भी ग्रह लाभ स्थान को देख रहा है या धन स्थान को देख रहा है तो विशेष लाभ देता है और जबरदस्त आपको फायदा देता है। तो यहाँ पर शनिदेव क्या है कि अब आपके लाभ को बढ़ाने वाले हैं और भारी मात्रा में बड़ा लाभ, शनिदेव बड़ा लाभ देते हैं जी, तो कहना चाहिए बड़ी तादाद में आपको धन संपत्ति या ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपका काम कारोबार भी बहुत जबरदस्त तरक्की करेगा, आपको विदेश यात्रा का योग भी होगा, आपको विदेशों से लाभ मिलेगा और आपके कहना चाहिए ना कि सुख समृद्धि में वृद्धि होने के साथ मान सम्मान की भी आपकी इस समय वृद्धि होगी। तो मकर राशि वालों के लिए तो ये काफी अच्छा ये शनि का गोचर है। अब जाते जाते क्या लगता है इन आने वाले 2.5 सालों में इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि एक अच्छे समय की इनके जीवन में शुरुआत हो रही है। देखिए इस समय आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा समय पे काम कारोबार के चलते, तो आपको क्या करना है, वाणी पर संयम रखना है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और थोड़ी बहुत सेहत का भी ध्यान रखना है, अन्यथा देर रात तक ना जागे, अगर जागना भी पड़ता है तो खाना पीना ऐसा रखें कि लाइट फूड लें, फ्रूट्स वगैरह, जिससे कि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। इस समय आपको ऑयली फूड जंक फूड से बचना चाहिए और देर रात तक जागने से और खाने से बचें, अन्यथा आपका जो सेहत जो है बिगड़ सकती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे मकर राशि वालों तो फिर कोई और समस्या नहीं है। उपायों के तौर पे क्या बताना चाहेंगे, इस समय शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव की आराधना में जैसे शनिदेव के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिवार को 5 बादाम शनि मूर्ति पे चढ़ाएं, ये करने से, और शनिवार के दिन 1 या 5 गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं, उनको वस्त्र इत्यादि दें काले रंग के, तो विशेष लाभ मिलेगा और गरीब व्यक्ति की हमेशा सेवा करें। तो देखिए ये थे हमारे समय क्षमा जी, जिनसे हमने जाना 29 अप्रैल का ये महागोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि मकर से निकलकर अभी कुंभ में चले जाएंगे, तो जाते जाते आपको कितना सुकून देकर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।